आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एबीसी राइट एंगल ट्रेंगल है, ये पे 90 डिग्री बन रहा है, ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 10 का है, तो इसके अंदर एक सर्किल बन रहा है, ठीक है। उस सर्किल का इन रेडियस निकालना है, ठीक है, यहाँ पे, और इसका सेंटर है आई, तो ये इन रेडियस निकालना है, मैंने आर का वैल्यू निकालना है। तो ये राइट एंगल ट्रेंगल है, ये राइट एंगल ट्रेंगल है, तो एच और बी दिया है, तो यहाँ से पी निकाल लेंगे। तो पी का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36, तो ये हो जाएगा 64 का 8 होता है, मतलब ये 8 हो गया। अब इन रेडियस निकालने का एक शॉर्टकट फार्मूला है, वही यूज करेंगे एग्जाम में टाइम बचाने के लिए। क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो भी ट्रायंगल होगा उसका एरिया, और डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर। तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट, और सेमी पेरीमीटर का होगा तीनों साइड को ऐड कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2, तो ये टू कट गया, तो बेस इंटू हाइट, तो बेस इंटू हाइट मतलब हो गया 8 इंटू 6, और ए बी सी मैंने तीनों साइड को ऐड कर देंगे 8, 6 और 10, ठीक है। तो ये हो गया 8 इंटू 6 और ये हो गया पूरा 24, और ये काट देंगे 4 से और ये 2 से, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हम लोग इन रेडियस आसानी से और बहुत जल्दी निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।